जी एक्चुअली काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है, क्योंकि आई थिंक जो फर्स्ट लुक होना आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो मेरे हिसाब से वो आई थिंक वी क्रॉस दैट बैटल ऑफ दैट फर्स्ट लुक. वो बहुत ज़रूरी था कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, एंड वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि टीज़र का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, उसके बाद ट्रेलर का रिस्पॉन्स उससे भी अच्छा है. लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके काफ़ी मूड्स रहते हैं, भूखे जली रहते हैं, उनको खाना चाहिए होता है. तो बट आई थिंक दिया हैज़ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. वो टेम्परमेंटली बहुत ही अच्छी थी और हमेशा वो स्माइल करती थी सेट पे और हमेशा वैन के अंदर आके वो बोलती थी हर सुबह, जॉन सर आज मैंने कुछ नया सीखा है. तो मैं उसको वॉट और वैन के अंदर वो बैक फ्लिप्स मारती थी. जिमनास्ट 8 साल की लड़की, बट शी इज अ वेरी गुड जिमनास्ट. तो अलग अलग फ्लिप्स करती है, ये करती है, एंड फैंटास्टिक इक्वेशन था जॉन सर के साथ. और आई रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एक्शन सीक्वेंस जिसमें स्पेशली नाइव्स यूज करते हम लोग, लेकिन वो एक स्पेशल आर्ट फॉर्म था जो हमें इस्तेमाल करना था एक्शन में, एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग था. तो उसके लिए मैं थाईलैंड गया था और वहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग की मैंने, और वहाँ पे पूरी जो ट्रेनिंग थी, वी शॉट द एंटायर ट्रेनिंग और निशी सर को वो हमने दिखाया कि दिस इज़ हाउ वी हैव डन द ट्रेनिंग, ये शूट किया है, ऐसे करना है, वैसे करना है. और यहाँ आके हमने सिर्फ शूट किया, यहाँ पे हमने रिहर्सल का टाइम नहीं रखा, वी डिसाइडेड स्ट्रेट टू गो फॉर द शूट. तो बहुत कुछ, बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ा, काफ़ी लगा भी वहाँ पर, क्योंकि रिहर्सल के टाइम पर हमेशा मतलब यहाँ वहाँ बदन में यू नो देयर वर ब्लैक ब्लू मार्क्स, यहाँ पे स्क्रैचेस थे. तो हर शाम को जब ही शावर के लिए जाते थे तभी याद आता था कि पूरा दिन हमने एक्शन किया है. बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट जब ही लोगों ने अभी ट्रेलर देखा है, जिस तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किया है ट्रेलर को. नहीं, हम लोग एक्चुअली इट्स अ चॉइस, एक एक्टर एक चॉइस करता है लाइफ में कि उसको एक्शन करना है एक टाइम पे, फेज ऑफ लाइफ में, फेज ऑफ फिल्म्स में, या उसे रोम कॉम करना होता है या डांस, जो भी है. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये फिल्म के अंदर आई थिंक देयर आर 8 एक्शन सीक्वेंसेस, तो ये 8 एक्शन सीक्वेंसेस मेरे 8 आइटम नंबर्स है. आप समझो मेरी बात, दीज आर माई आइटम सॉन्ग्स. तो डांस करने के बगैर हम लोग एक्शन कर रहे थे. सो आई साइंड अप फॉर एक्शन, मुझे एक्शन पसंद है. जो फिजिकलिटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक्शन के लिए बनी है, तो क्यों नहीं करूँ एक्शन. और आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेल. तो घर के लोग तो उनको पता है, अभी तो 3 सर्जरी करके आया हूँ मैं एक नी में, सो इट्स नॉर्मल. उसके पहले भी लगा है, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल.